4-5 हज़ार का सैलरी पाते हैं, उनको घर में जाके पूछे उनका घर का हालत क्या है। जमीन खरीदने में उनका 2-3 जनरेशन निकल जाता है, कहीं कहीं तो 2-3 लाख उधारी भी है। तो अगर हम लोग नौकरी करके अगर उधारी ही करेंगे तो ऐसा नौकरी का क्या फ़ायदा। तो यही बात के साथ हम लोगों ने गठन किया है और चाहेंगे कि हमारी सरकार तो अपना काम सही कर रही है, लेकिन हम लोगों की जो समस्या है, हम लोगों ने सबूत के तौर पर इन लोगों को आज रखा है। और दादगिरी में भी काफ़ी समस्या है, उन्होंने तो अपना खून तक बेचना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब को लेके सरकार सीरियस हो जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाए कि कोई भी हमारा बासपोर ना छूटे। और कोई बात है? और कोविड में जो लोग काम किए थे उनका सैलरी अभी भी बहुत कम है, 5 हज़ार है। और कुछ लोगों को तो हमारे पासपोर्ट लोगों ने कोविड में लिया था काम करने के लिए, तो उनका भी बहुत अभी तो बैठा दिया, लेकिन उनका बहुत सारा सैलरी बाकी है, तो वो पेमेंट क्लियर होना चाहिए। और जो अभी काम करे उनका सैलरी बढ़ना चाहिए। और हमारे सदस्य कुछ बताना चाहते हैं, बता दो सामने से। जी नमस्कार, मेरा नाम रतन बाठौर है, जोर से बोलता हूँ। मैं बिजनी चिरांग का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पर म्यूनसिपलिटी ऑफिस, बिजनी म्यूनसिपलिटी ऑफिस में 30 साल हो गया मेरा नौकरी करते हुए, ना ही आज तक कोई हम लोग को मकान मिला है, ना ही लेट्रिन मिला है, ना ही पीने के लिए पानी का कोई व्यवस्था हुआ है। दूसरे में हम लोग को तनख्वाह भी मिल रहा है 6,000 रुपया। आज 30 साल नौकरी कमाने के बाद में आज हमको 6,000 रुपया में नौकरी में हमको रखा हुआ है। अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं पूछते हैं, हम लोग जाते हैं पूछते हैं ऑफिस में, तो वो बोलता है क्या जे हमारे यहाँ पर कोई रूल नहीं है, ये चिरांग का डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट अलग है, आसाम वाला डिस्ट्रिक्ट अलग है। तो इसीलिए अभी हम लोग को मांग है यही जे हम लोग को कम से कम हम लोग को मकान मिलना चाहिए। और हम लोग को आधा बीघा माटी में हम लोग को 20 फैमिली को उधर में ठूस के रखा हुआ है। तो आप अगर हमारे घर में आकर अगर बैठने के जगह खोजिएगा तो हम नहीं दे सकेंगे आपको। बस यही बात हम आपके अनुरोध से जना रहे हैं, हमारे समस्या को हल कीजिए। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने हमारे बासपुर भाई बहनों हैं, आप लोगों के साथ अभी आसाम में एक हल्ला चला है कि म्यूनसिपैलिटी में सैलरी नौकरी हो रहा है, 2 लाख दीजिए नौकरी हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म भरिए, बायोडाटा फॉर्म भरिए, नौकरी हो जाएगा। तो ये सब झूठ बात है, क्योंकि अभी तक म्यूनसिपैलिटी में नया नौकरी नहीं आया है। कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है लेकिन नया नहीं आया है, क्योंकि अब इलेक्शन ही आ गया तो नया नौकरी होने का कोई सवाल नहीं है। अगर फिर भी किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म गुवाहाटी का हो या कहीं का भी हो, जीएमसी में अगर देना है या कहीं भी देना है, तो वहाँ कमिश्नर के पास जाइए, ऑफिस में जाइए। और पहले के एपीडीसी डिपार्टमेंट में छठू बासपोर बोल के आदमी काम कर रहे थे, हमारे बासपोर काम कर रहे थे, उनके गुजरने के बाद उनकी बीवी को वो काम मिलना चाहिए था जो कि आज हमारे साथ मौजूद है, उन्हें वो काम नहीं मिला। वो कुछ बोलना चाहती है, क्या बोल रहे नौकरी के तार चाहिए? हमरा नौकरी चाहिए, हमरा स्वामी को, हमरा चाटू बच्चा, हमरा कोई नहीं है। तो ऐसा करके जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं सबका समस्या है, भले हर कोई बोलना नहीं जानता हो, लेकिन हम सबका आवाज बनना चाहते हैं और बात को उठाना चाहते हैं। सरकार तो अपनी तरह से बहुत काम कर रहा है, लेकिन इस बीच में कुछ लोग घुस जाते हैं, हमारे समाज के कुछ ऐसे एजेंट टाइप लोग घुस जाते हैं जो उन्हें भूल भुलैया से ले जाके उनको काम दे देंगे, ये देंगे बोल के, बाद में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट यूनियन यही चाहता है कि जहाँ जहाँ समस्या है सरकारी स्कीम नहीं पहुँच पाया वहाँ तक हम पहुँचाएँ। और नौकरी के लिए एक ही बात है कि थोड़ा रिजर्वेशन हमें मिले डिस्ट्रिक्ट वाइज, और सफाई काम तो कम से कम हमें ही मिले, क्योंकि हम बहुत पीछे हो गए हैं। शेड्यूल कास्ट के हिसाब से तो हमें काफ़ी रिजर्वेशन मिला, लेकिन अभी भी हम आगे बढ़ नहीं पाए हैं 70 साल में, और हमारा हालत खराब ही गया है। उसी बीच म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में हमारे और एक सीनियर इंसान राम अवतार बासपोर काम करते थे, 10 साल हो गया उनका गुजरे हुए, लेकिन उनका काफ़ी म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में बहुत कुछ पैसा मिलना बाकी था, 7 महीने का सैलरी भी था, 60 महीना करीबन 5 साल का पैसा उनको मिलना बाकी है जो अभी तक नहीं मिला। उसके अलावा बहुत सारा उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए था उस डिपार्टमेंट से जो नहीं मिल पाया। तो इन्होंने भी आज हमसे जब मुलाकात हुई तो ये बात हमारे सामने रखे है। तो हम चाहते हैं कि जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है इस बात को सीरियसली ले, और उनका जो 5 साल का पैसा नहीं मिला है तो ऑफिशियली जांच हो कितना महीना का उनका पैसा मिलना है नहीं मिलना है, और उसको तुरंत क्लियर किया जाए। और चिरांग में, काजलगांव में या कहीं भी कोई नौकरी निकल रहा है तो हमारे ही लोगों को, बासपुर भाइयों को प्रायोरिटी मिले। तो इसी के साथ हम लोगों का ये कमेटी का गठन हुआ है, और आगे हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। उदालगुरी, बक्सा और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हमें कमेटी गठन करना है,
और हम यही चाहेंगे कि हमारे पासपोर्ट में जितने सारे अगर भाग हो भी गए अलग अलग कमेटी, तो हम सब ये समय आ गया है कि हम लोग सब मिलके काम करें, मजबूती से लड़े, और जो हमारे समाज के लोग हैं यानी हमारे पासपोर्ट लीडर है, वो कम से कम जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते रास्ता का, या गुवाहाटी में भी मैं देखा हूँ कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, कोकराझार में भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पासपोर्ट भाई लोग दूर रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब एनजीओ के थ्रू हो जाता है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाता है तो सैलरी बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। तो अगर वो कमिश्नर के पास जाइए, ऑफिस में जाइए और पहले पता कीजिए कि म्यूनसिपैलिटी में कोई नौकरी निकला कि नहीं, पहले इंटरनेट में चेक कीजिए, फिर म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाकर चेक कीजिए। किसी भी हमारे पासपोर्ट के एजेंट की बात सुन के आप पैसा मत दे दीजिए और ना ही कोई फॉर्म भर के किसी के हाथ में दीजिए। कोई भी स्कीम है 40,000 के या 2,00,000 का हो या फिर मान लीजिए नौकरी का बात है, तो आप लोग अपना फॉर्म भरिए और जाके ऑफिस में जमा कीजिए, और किसी को पैसा मत दीजिए नौकरी के लिए, क्योंकि ये नौकरी ऐसे भी परमानेंट तो होना ही था, हम लोग पहले से आवाज़ उठा रहे थे तो परमानेंट हुआ और आगे जाके नया नौकरी भी होगा, लेकिन अभी इलेक्शन के पहले कोई भी नौकरी होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल किसी भी आदमी को अपना डॉक्यूमेंट मत दीजिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट का वो गलत यूज़ कर सकता है, हो सकता है किसी नेता के पास जाए, कोई मंत्री के पास जाए, सही बोलने कि ना, ऐसा ही होता है। आप लोग डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि नौकरी हो जाएगा, लेकिन वो सारा डॉक्यूमेंट 2-3 सेट जेरस होता है और जगह जाके एमएलए के पास जाता है, फिर पैसा कलेक्शन होता है क्योंकि अब इलेक्शन आ गया। तो आप कोई भी ऐसा बायोडाटा या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी पासपोर्ट आदमी को मत दीजिए, देना है तो जाके ऑफिस में दीजिए और पता कीजिए नौकरी है कि नहीं जीएमसी में, और पता कीजिए कि हॉस्पिटल में भी नौकरी है कि नहीं, ये सब पूरा आसाम में पता कीजिए, किसी के हल्ला में मत जाइए। इसी के साथ हम लोग अपना बात रखते हैं और चाहते हैं कि सरकार इस सब चीज़ों को दूर करे और जिन लोगों का मैंने समस्या बताया वो भी दूर हो। नमस्कार। मैंने इलेक्शन में 89 से नौकरी कर रहा था, मगर मेरी बैंक में जब पार्ट टाइम था, जब परमिट हो गया 2006 में, तो मेरा लड़का को 2014 में ट्रांसफर कर दिया नौकरी। 6 महीना का वेतन मुझे 3,000 करके मिला, और आज 5 साल हो गया इलेक्शन ऑफिस का, जो मेरी तनख्वाह बराबर अटका के रखा है। मैंने डीसी को लिखा, किसी तरह का रिस्पांस नहीं है, कलेक्टर को लिखा, किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया, और मैं मीडिया का धन्यवाद जनाऊंगा कि इस बातों को सरकार तक पहुंचाए और हमारे बच्चे को जो भी पैसा मिले।